वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज हमारे पास एक एसर का एक लैपटॉप आया है 4736Z करके, जिसका बोर्ड नंबर है LA4493P। मैं आपको बोर्ड में भी अभी शो कराऊंगा आपको। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। जब हम DC प्लग को लगा रहे हैं तो हमारा कुछ हल्का सा एम्पियर ले रहा है और लाइट भी जल रही है। पावर ऑन दबाने पर सारी लाइट भी जल रही है पर हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। और इसको मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। और मेरी वीडियो को दोस्तों आप पूरा वॉच करें ताकि जितने भी बिगनर स्टूडेंट हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए नहीं है, और जो बिगनर स्टूडेंट हैं सीखना चाहते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो ऑलरेडी इस फील्ड में है उन लोगों के लिए तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं, कहीं कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बोर्ड के पार्ट नंबर को दिखाता हूँ और बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में पहले मैं वो शो कराता हूँ। आप आए, आप बोर्ड का पार्ट नंबर देखेंगे, ये है आपका LA4494P करके बोर्ड नंबर है। और मैं आपको DC प्लग करके दिखाता हूँ इसके अंदर जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है। सबसे पहले मैं इसको 18.5 वोल्ट या 19 वोल्ट इसको दूंगा, मशीन से 19 वोल्ट दे देते हैं, पूरी 19 वोल्ट दे देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने 19 वोल्ट दे दिया है। और जब मैं इसको DC इन प्लग करूँगा तो आप देखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम है, देखेंगे हमारी लाइट कंटिन्यू हो गई है और हमारा 0.3 एम्पियर ले रहा है मिली एम्पियर में। और अभी मैं इसको ऑन करूँगा तो देखेंगे आप इसमें LED और भी ग्लो होंगी। तो जब मैं ये देखेंगे आप LED ग्लो हो रही है, 11 एम्पियर तक गया, लेकिन बोर्ड मेरा ऑन नहीं हुआ, मेरा फ़ैन भी ऑन हुआ और मैं ऑन कर रहा हूँ तो देख सकते हैं मेरा ये सिस्टम जो है बंद हो जा रहा है। ये DC जैक थोड़ा सा लूज है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे इसमें मैं ऑन कर रहा हूँ, फैन भी घूम रहा है और ये भी हल्का सा फैन चल के बंद हो जा रहा है और सिस्टम हमारा प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है, और जबकि इसको सही से ऑन होना चाहिए हमारे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं अभी देखते मैं फैन आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम है कुल मिला के, तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे और सिस्टमेटिक में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पर रख लेते हैं और इसकी हम DC वोल्ट को चेक करेंगे कि हमको वोल्टेज कितनी मिल रही है। मेरा DC चेक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये प्रॉपर सही हो गया है। तो अभी मैं दोबारा से आपको एक बार और प्लग करके दिखा देता हूँ, तो देखेंगे सिर्फ ये हल्का सा ऑन होता है और बंद हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम ये है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वोल्ट इन वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसमें वोल्ट इन कितनी आ रही है। मल्टीमीटर मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देखेंगे जब मैं वोल्टेज लगा रहा हूँ तो ये 17.5 वोल्ट दे रहा है और सप्लाई मशीन में हमने दे रखी 19 वोल्ट दे रखी है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 19 वोल्ट दे रखा है इसको और मल्टीमीटर में हमको जो शो हो रहा है, मल्टीमीटर में जो शो हो रहा है वो हमें 17.5 वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है वोल्ट इन हमारी कम आ रही है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक CLR लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे 17 वोल्ट मिल रही है। और जो इसका मेन MOSFET है वहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जहाँ पे इन हो रही है वोल्टेज वहाँ पे तो 19 वोल्ट मिल रही है, लेकिन आउट जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी 18 वोल्ट मिल रही है पहले MOSFET में। और सेकंड MOSFET में भी आप 18 वोल्ट देखेंगे इन पे, और आउट पे आप देखेंगे कि हमारी ये वोल्टेज कम हो गई है, 1 वोल्ट कम से कम आ रही है, क्योंकि मैंने 19 वोल्ट दिया और यहाँ पे 18 वोल्ट आ रही है। तो इसको मैं सिस्टमेटिक में देखूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि इनके गेट पे कितनी वोल्टेज आ रही है, अभी मैं सिस्टमेटिक देखते हैं फिर बताता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो लगा हुआ है DC जैक लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा अडाप्टर प्लग होता है। और ये तो बैटरी वाला कनेक्टर है, मैं DC जैक देखता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर का हो गया, तो यहाँ पे हमारा B+ आएगा और
चार्जिंग सेक्शन। हाँ यहाँ पे हमारा वी इन आया, ये हमारी जो वोल्टेज है हमारी एडाप्टर की वोल्टेज है। पहला मॉसफेट PQ9 लगा हुआ है और सेकंड मॉसफेट लगा हुआ है PQ10। और अगर हम इसके मॉसफेट के नंबर की बात करें, यहाँ पे लगा हुआ है आपका 4407। 4407 का मतलब है ये पी चैनल है, और पी चैनल जो होता है वो ड्रेन टू सोर्स जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला मॉसफेट है वो तो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है ड्रेन टू सोर्स, यानी कि एडाप्टर लगाते ही बिना गेट खुले भी ये 18 वोल्ट हमारी ड्रेन टू सोर्स चले जाएगी। जबकि दूसरा 4407 जो पी चैनल लगा हुआ है वो सोर्स टू ड्रेन लगा हुआ है, और जब तक इसकी गेट की सही बाइसिंग नहीं होगी तब तक ये 18 वोल्ट को फ्लो नहीं होने देगा। तो और इन दोनों के गेट जो हैं कॉमन है, आप देख सकते हैं दोनों के गेट जो हैं कॉमन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हमें एक चीज देखनी है कि 18 वोल्ट हमें यहाँ मिल रही है, जबकि जो पहला मॉसफेट है हमारा ड्रेन टू सोर्स वो तो हमारी वोल्टेज 0.3 वोल्ट जो डायोड तो एब्जॉर्ब करता है वो खत्म तो कर देगा, लेकिन दूसरा वाले मॉसफेट से पार नहीं होगी जब तक इसका गेट नहीं खुलेगा। तो जैसे कि आपको पता है पी चैनल है, पी चैनल के गेट जब लो होंगे तभी हमारी सही बायसिंग होगी, और पी चैनल है तो जो भी इसके इनपुट पे वोल्टेज है उससे 4 वोल्ट माइनस होंगे तभी सही बायसिंग होगी। यानी कि अगर हम 19 वोल्ट दे रहे हैं या 18 वोल्ट दे रहे हैं तो 4 वोल्ट कम होनी चाहिए, और अगर उससे भी कम हो जैसे 6, 7, 8 वोल्टेज हो तो भी बहुत अच्छी बायसिंग होगी, प्रॉपर वोल्टेज हमारी जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो पहला मॉसफेट हमारा PQ9 लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PQ9 है, अगर जूम करके दिखा देंगे आप तो PQ9 लगा हुआ है यहाँ पे, और सेकंड है हमारा PQ10 लगा हुआ है, देख सकते हैं PQ10 है। और मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू भी बताना चाहूँगा कि कैसे पता लगाएं कि हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ है ये एन चैनल है कि पी चैनल है। हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखते हैं, और डायोड मोड में रखने के बाद जैसे अगर वैसे तो हम कई तरीके से पता कर सकते हैं कि ये एन चैनल लगा है कि पी चैनल लगा हुआ है। पहले तो जब हम सिस्टमैटिक देख रहे हैं तो सिस्टमैटिक देख के हमें पता चल जाएगा जो ड्रेन टू सोर्स जाता है वो हमारा पी चैनल होता है, और जो सोर्स टू ड्रेन जाता है वो हमारा एन चैनल मॉसफेट होता है। तो लेकिन मदरबोर्ड में हम कैसे पहचाने, क्योंकि हमारे पास अभी सिस्टमैटिक भी नहीं है मान लो। तो सबसे पहले तो आप नंबर के अकॉर्डिंग भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा चैनल है। अगर हमारा जो ऑड नंबर होगा मॉसफेट पे तो लास्ट डिजिट, यानी कि मॉसफेट के नंबर पे जो लास्ट डिजिट होगी वो ऑड होगी तो वो हमारा पी चैनल होगा, और इवन नंबर होगा लास्ट डिजिट तो वो हमारा एन चैनल मॉसफेट होगा। और दूसरा हम मल्टीमीटर से भी पता लगा सकते हैं कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। वो कैसे पता करेंगे, जैसे मैं इसके ड्रेन पे, जैसे मैंने देखा इसकी गाइड पॉइंट यहाँ पे है तो ड्रेन हमारा ये है, चाहे वो एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो। आप मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख के जब आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये ड्रेन टू सोर्स जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको पलटता हूँ तो ड्रेन टू सोर्स बहुत हाई इम्पीडेंस है और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिवर्स बायसिंग में नहीं जा रहा है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये ड्रेन टू सोर्स जा रहा है, रेड वाली वायर ब्लैक वाली तार की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हमारा पी चैनल है। और अगर ये एन चैनल होता तो ये रेड वायर मैं इसके सोर्स पे रखता तब मेरी ड्रेन पे जाती, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है पी चैनल। और दोनों नंबर मैंने देख लिए हैं, सिस्टमैटिक में भी देखे हैं, बोर्ड में भी देखे हैं, 4407 लगा हुआ है और ये हमारा पी चैनल है। अब मैं दूसरे मॉसफेट को देखता हूँ, इसको इसकी भी बायसिंग देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे बहुत लो इम्पीडेंस मिल रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे ये वाले में तो मुझे 514 के आसपास मिल रहा था, और जब मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे 19 मिल रहा है, और मैं तार को पलट देता हूँ तो भी मुझे 19 मिल रहा है। और अब मैं इसको बी पॉइंट पर रख के चेक करूँगा क्या ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये मुझे जो है मॉसफेट शॉर्ट मिल रहा है, और इसके वजह से हमारी वोल्टेज प्रॉपर बायसिंग नहीं हो पा रही है। मैं एक बार इसको दोबारा चालू करता हूँ और इसके गेट पे वोल्टेज देखता हूँ कि इनके गेट पे हमें क्या वोल्ट मिल रही है। तो देखेंगे कि पहला मॉसफेट के ड्रेन पे जब हम वोल्ट इन करते हैं तो हमें 19 वोल्ट मिल रही है, और जब इसके सोर्स पे ये पास हुई तो इसने कम से कम 0.5 वोल्ट को इसने ड्रॉप किया, क्योंकि डायोड की अपनी प्रॉपर्टी है जब उसकी फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो
3 to 4 वोल्ट ड्रॉप करता है, लेकिन यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही है। अगर इसकी बायसिंग प्रॉपर होगी तो ये पूरी की पूरी वोल्ट आउटपुट पे देगी, यानी कि जो इनपुट पे होगी वही आउटपुट पे होगी जब इसका प्रॉपर बायसिंग होगी। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये 5 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दिया, देख सकते हैं। और इनके गेट पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूँ तो देखेंगे गेट पे भी मुझे पूरी वोल्ट मिल रही है 17 पॉइंट। तो ये फॉरवर्ड बायस में तो ये तो इसने पार कर ही दिया, लेकिन जो सेकंड मॉस्फेट है इसके मैं सोर्स पे रखता हूँ, सोर्स पे मुझे 18 वोल्ट मिल रही है और इसके गेट पे आप देखेंगे मुझे पूरी वोल्ट मिल रही है। तो कायदे में तो ये वोल्ट यहाँ से पास होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसको चेक किया तो ये शॉर्ट है। इसीलिए शॉर्ट होने के कारण ये वोल्टेज हमारी पार जा रही है और बायसिंग क्लियर ना होने के कारण हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखेंगे 18 वोल्ट और मशीन पे मैंने उसको दे रखी है 18.9 वोल्ट, 19 वोल्ट के करीब दे रखी है। तो इसीलिए मेरी प्रॉपर बायसिंग नहीं हो रही। मैं यहाँ पे जो 44.07 लगा है इसको चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद मैं आपको इसको शो करूँगा। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे। जब SMD आप चलाते हैं तो SMD की एयर जो है आपकी हीट से 1 पॉइंट ज़्यादा रखें एयर को और गोल गोल घुमाएं। आपने एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रखना, थोड़ी देर आप इसको हीट करें और उसके बाद गोल गोल घुमाएं और इस तरीके से आप कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसमें 44.07 दूसरे बोर्ड से निकालता हूं। मेरे पास स्क्रैप पड़ा हुआ है तो 44.07, तो मैं 44.07 इसमें लगाऊंगा और इसकी गेट की गाइड पॉइंट जरूर आप देख के लगाएं। अगर आप गेट पॉइंट को देख के नहीं लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा ये। तो मैंने मॉस्फेट निकाल दिया है और मैं यहाँ पे इसके गाइड पॉइंट को अकॉर्डिंग ही इसको लगाऊंगा। और जो SMD आपकी 90 डिग्री पे होनी चाहिए ताकि कोई कंपोनेंट आपका उड़े नहीं, क्योंकि अगर आप 60 डिग्री पे लगा के इसको चलाते हैं तो हो सकता है एयर के वजह से वो कंपोनेंट आपका उड़ जाए। ये तो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन कभी आपको छोटे रजिस्टर लगाने हो या छोटे आपको कैपेसिटर लगाने हो तो वो उस समय कंपोनेंट उड़ जाता है। तो मैं देखूँगा कि मेरा जो कंपोनेंट है वो सही लगा है। और अभी मैं एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ कि मेरी प्रॉपर वोल्टेज आई कि नहीं आई और सिस्टम मेरा ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखेंगे। तो जब मैं इसको प्लग करता हूँ और मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज जो देखूंगा कि गेट पे कितनी वोल्टेज आ रही है, अभी मैंने आपको गेट पे भी वोल्टेज दिखाई थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ वोल्टेज देखता हूँ तो मुझे 19 वोल्ट प्रॉपर आ गई है, यानी कि ऊपर मैंने 19 वोल्ट दे रखी है और नीचे भी मुझे 19 वोल्ट मिल रही है। अब मैं इसकी गेट पे देखना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग मैंने चेक कराया था 19 वोल्ट और जो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था, तो अब देखेंगे ये 5 वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रहा है क्योंकि इस समय इसकी प्रॉपर बायसिंग हो गई है। मैं इसकी गेट की वोल्टेज दिखाना चाहूँगा जो 17 वोल्ट के करीब आ रही थी, अब 12.8 वोल्ट आ रही है। यहाँ पे सेकंड मॉस्फेट है तो इसके यहाँ पे देखेंगे इसके सोर्स पे 19 वोल्ट है और इसके गेट पे हमें कितनी वोल्ट मिल रही है, 12.8 वोल्ट मिल रही है। इसका मतलब इसकी प्रॉपर बायसिंग हो गई है। कायदे में तो इनपुट से 4 वोल्ट भी कम होगी तो भी इसकी प्रॉपर बायसिंग हो जाएगी। देख सकते हैं 19 वोल्ट हमारी प्रॉपर हो गई है। और मैं सिस्टम को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा मशीन ने फुल एम्पियर ले लिया है 0.7391, यानी कि डिस्प्ले भी हमारी आ गई है और सिस्टम भी ऑन हो गया। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले कनेक्ट करके दिखाता हूँ और सिस्टम। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और चैनल को मेरे, आप अगर अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो अपडेट होती रहेंगी। और कोई भी बंदा जो हल्द्वानी से है, उत्तराखंड से है और कोर्स सीखना चाहता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लास चलाते हैं और अच्छा कोर्स है, पूरी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली आपको नॉलेज दी जाएगी। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखेंगे ये मशीन ऑन हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमारी डिस्प्ले आ गई है और सिस्टम हमारा ओके हो गया है और एम्पियर भी प्रॉपर ले लिए हैं, 1.24 एम्पियर इसने ले लिया है। तो आज की केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी भाई मेरा उत्तराखंड से है और अगर वो कोर्स सीखना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।